अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबसे अपील करती हूँ, मेरा चैनल हिना लेक्चरर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक खूबसूरत हदीस मुबारक आपको सुनाना चाहती हूँ। अल्लाह इसको मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़र बिन हबीश रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया, तो वो हमें समझा रहे हैं कि दौरान सफ़र पेशाब पखाना और नींद की वजह से 3 दिन तक हम लोग मौज़े नहीं उतारते थे वज़ू के लिए भी। हम अगर जनाबत की हालत में हमें उतारने पड़ते थे, तो इतने में एक बद्दू आया। उस बद्दू ने बुलंद आवाज़ में कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स एक कौम से मोहब्बत रखता है लेकिन अभी तक वो उनसे मिल नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक, और अपने दिलों को मज़बूत कीजिएगा, अपनी मोहब्बतों को मज़बूत कीजिएगा, अपने दिलों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने के साथ जोड़ के रखें। इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा, कहाँ? महशर के बाद, वो जहाँ जहाँ पर कभी भी मौत नहीं आने। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर, अस्सलामु अलैकुम।